दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या आपको गैस की सब्सिडी मिलेगी या नहीं। आज की वीडियो में यही बताएंगे, आप पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो में कुछ और भी जानकारी देंगे अलग से कि क्या क्या रूल चेंज हुए 2019 में, आने वाले समय में क्या क्या रूल्स चेंज होंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। और क्या आपको आने वाले समय में सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत लोग पूछ रहे थे भाई बताओ कि सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जान लो भाई कि सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को और पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं रोहित टेक टॉक। तो चलिए बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने पेपर में, न्यूज़ में सुना है कि आने वाला समय में या सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, तो ऐसे में बहुत लोग जाके एजेंसी से पूछते हैं कि भाई क्या सब्सिडी अब नहीं मिलेगी, या बहुत लोग मैसेज भी आए कि अब सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों मैं बता दूँ कि पहला बात कि सब्सिडी उन लोगों को बंद हो गया है जिनके सालाना इनकम 5 लाख या 10 लाख अगर आपकी इनकम है, तो आपको सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और दूसरा बात कि गेल इंडियन कंपनी यानी पाइपलाइन, अगर आपके एरिया में गेल का अगर कंपनी का पाइपलाइन बिछ गया है गैस का, तो ऐसे में जगह जगह गैस की सुविधा आसानी से हो जाएगी पाइपलाइन के ज़रिए। तो उसमें जरूर ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आपको उसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। उसमें क्या है कि जितना पैसा भराइए उतना गैस चलेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है जितना बिल आया उतना पैसा जमा कीजिए, वैसा आपको सिस्टम रहेगा। जैसे नोएडा में बहुत सारी जगह पर जो मेन स्मार्ट सिटी हैं उनसे भी जगह पर ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी है। तो उसी तरह से गेल की तरह अगर सभी जगह पाइपलाइन की सुविधा आ जाती है, तो ऐसे में हमें लगता है कि सब्सिडी भैया नहीं मिलेगी। तो सुन लीजिए और भी कुछ जानकारी देते हैं। पहला रीज़न, पहला अभी टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब्सिडी अभी आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसका एक रूल है क्लोजिंग ओपनिंग समझिए पहले वो चीज़ को। मार्च होता है क्लोजिंग, अप्रैल होता है ओपनिंग। अब फैसला करती हैं राजनीतिक, अब आने वाले समय में चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा से आती है तो उसमें वो क्या रूल चेंज करेंगे, सब्सिडी देंगे नहीं देंगे, उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो अभी चुनाव है वो होगा आपको मार्च अप्रैल के बीच का, तो उस बीच में क्या डिसीजन होता है वो आने वाला फ्यूचर सरकार बताएगी। और दूसरा बात कि अभी सब्सिडी नहीं, इसको नहीं मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आपको मार्च हो और अप्रैल में होता है। जब आपका मार्च आ जाएगा, यानी अभी तो मार्च आया नहीं है, जनवरी है, तो जैसे मार्च आएगा तो मार्च क्लोजिंग होता है, मार्च तक आपको सब्सिडी निश्चिंत रहिए मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी कुछ कर ले सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि ये रूल है, इसे सभी लोग फॉलो करते हैं और आपको भी फॉलो करना है और सरकार को भी फॉलो करना है। आपको मेरी बात ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो अब अप्रैल के बाद जो रूल आएगा सरकार का वो डिपेंड करता है सरकार पे। और गेल कंपनी धीरे धीरे जिस तरह से स्मार्ट सिटी पे, यानी जो भी सिटी है मेन सिटी है उन जगह पे पाइपलाइन की पूरी व्यवस्था जैसे कर रहे हैं जैसे स्पीड से, तो इस स्पीड से गैस की दिक्कतें जो है बहुत कम हो जाएंगी। लोगों को गैस कहीं दौड़ के या बाइक से या साइकिल से या कार से दौड़ के जाना नहीं पड़ेगा। जब हुआ रिचार्ज किए गैस चालू, जब हुआ किसी भी जगह से फ़ोन किए गैस चालू, किसी भी तरह का लीकेज किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। इसे पाइपलाइन में एक दोस्तों एक सीक्रेट बताऊं कि आप जो टंकी वाला सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, उसमें कितना भी गैस आप यूज़ कर लें उसमें कुछ ना कुछ गैस बच जाता है। अब मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठंडी के मौसम में खासकर आपका गैस जो होता है उसमें जम जाता है, जिसकी वजह से आप उसे वापस लौटा देते हैं, जाओ ले जाओ गैस ख़त्म हो गया, लेकिन भैया गैस उसमें भरा हुआ रहता है, इससे चाहिए वो आपको पाइपलाइन में बचेगा। वो कैसे आप देखते होंगे, अब मैं एग्जांपल आपको बता दूं, वो एग्जांपल ऐसे कि आप शादी उदी में जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि जो खाना बना रहा है वो एक भगोना का बड़ा सा रखता है पानी गर्म होकर, और उसमें सिलेंडर रख देता है ताकि गर्म होकर भाप से गैस ऊपर आ जाए। ये तरीका है जो लोग बहुत लोग समझ पाते हैं कि भैया ये पानी में क्यों रखा है, पागल वगल तो नहीं है, तो भाई पागल नहीं, वो आपसे तेज़ है इसलिए वो पानी में रखा है, ठीक है। तो ये पाइपलाइन की सुविधा से आपका जो गैस है वो आसानी से बचेगा और आप लिमिट भर यूज़ कर पाएंगे, और कहीं दौड़ने या किसी भी कंप्लेन में भाई गैस नहीं पहुंचा, कब गैस आ रहा, बुकिंग करो, ये करो, वो करो, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। दूसरा, सब्सिडी की बात करें, अगर पाइपलाइन में अगर ये चीज़ आ जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब्सिडी नहीं मिलेगी। और एक और ख़ास बात, बहुत ज़्यादा ख़ास बात होने वाली है, जो बड़ी बड़ी गेल कंपनी जो है
वो पाइपलाइन बिछा रही है। उसी तरह से IOCL यानी आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो गैस ज़्यादातर आप इंडियन का ही लेते हैं, तो उनका भी रूल चेंज हो रहा है। जैसा कि मैं सुना हूँ, उनके एप्लीकेशन आएंगे, मोबाइल आएंगे, यानी आपके पास एक मोबाइल मिलेगा और वेंडर के पास भी मोबाइल रहेगा, और उस मोबाइल में अपने पेपर में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, तो उसमें रूल ये आ रहा है कि आप जो गैस लीजिएगा वो मोबाइल पे आपके OTP जाएगा, OTP उस वेंडर को बताइएगा जो आपके आएगा, वो OTP डालेगा, तब आपका कंफर्म होगा डिलीवर और तब आपको गैस वो आपको देगा। और दूसरा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जिसका नंबर आप दिए हैं और वो घर पे नहीं है और कहीं ऑफिस में, तो ऐसे में वेंडर आए बोलेगा भाई OTP बताइए, तो उसमें भी एक ऑप्शन दिया रहेगा जिसके ज़रिए वो आपकी डिलीवरी शो कर सकेगा, और इसमें चोरी होने की कम चांसेस है। अब इसमें पूरा रोल, पूरा सिस्टम, पूरा सॉफ्टवेयर चेंज होने वाला है इंडियन का, तो ये कब तक आएगा ये कहना मुश्किल है, जब आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी नॉलेज आपको पूरी पूरी पे समझ में आएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आने वाले वीडियो में और भी कुछ जानकारी दे देंगे गैस के बारे में, और इस पूरी जानकारी को चाहिए आपको तो कमेंट करके बताइए, जो आपके सवाल हो क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर लाल घंटे बटन को नहीं दबाया, सब्सक्राइब बटन को, तो दबा दो भाई और लाइक कर लो, और आने वाली वीडियो का इंतजार कर लो, और घंटे को भी हो सके तो बजा लो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।